हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है आपके अपने चैनल यूट्यूब थ्योरी ऑफ लॉपर और मैं एडवोकेट द्वारा आप सभी का स्वागत करता हूं। तो गाइस, आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक बार फिर से हिंदू मैरिज एक्ट का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। जी हाँ, आज हम डिस्कस करने वाले सेक्शन 9 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट जो हमें बता रहा है रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट। चलिए, ये हमें बताता है रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट। अब हम सबसे पहले बेसिक मीनिंग देख लेते हैं, ये होता क्या है। देखिए, अभी हमने देखा था शादी के लिए, हिंदू मैरिज शादी के लिए कुछ वैलिड कंडीशंस का होना बहुत ज़रूरी है, जो कंडीशन सेक्शन 5 हिंदू मैरिज एक्ट में बताई गई हैं। अब जब उन कंडीशंस को फॉलो करके कोई शादी होती है तो हस्बैंड और वाइफ की ये मॉरल ड्यूटी होती है कि वो एक दूसरे के साथ रहें, जब कभी एक दूसरे को ज़रूरत पड़े तो उसके साथ खड़े रहें और हमेशा उसकी हेल्प करें। ठीक है, ये एक मॉरल ड्यूटी होती है। लेकिन कभी कभी कुछ ऐसी सिचुएशन हो जाती है कि हस्बैंड और वाइफ का एक साथ रहना बहुत मुश्किल हो जाता है। बहुत कभी कभी क्या होता है, रीज़न होते हैं उनके पास, सफिशिएंट रीज़न होते हैं अलग रहने के। जब सफिशिएंट रीज़न होते हैं तो जुडिशियल सेपरेशन होता है, डाइवोर्स होता है। लेकिन जब कोई पार्टी बिना किसी सफिशिएंट रीज़न के ही अपने आप को दूसरी पार्टी से अलग कर ले, तब ये जो हमारा सेक्शन है रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट, ये एग्जिस्टेंस में आता है। कब एग्जिस्टेंस में आता है, जब एक पार्टी दूसरी पार्टी से अपने आप को अलग कर ले और बिना किसी सफिशिएंट ग्राउंड के, तब ये एग्जिस्टेंस में आता है। चलिए अब हम बेसिक देखते हैं। ये सेक्शन हमें बताता है कि जब एक पार्टी दूसरी पार्टी को बिना किसी सफिशिएंट रीज़न के उससे अलग रहना शुरू कर देती है तो क्या होता है, दूसरी जो पार्टी है डिसीज पार्टी, उससे ये राइट जनरेट हो जाता है, वो कोर्ट में जाके एप्लीकेशन मूव करे रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट के लिए। ठीक है, ये हमें बेसिक सेक्शन बता रहा है। अब हम इसके एसेंशियल देखते हैं। एक पार्टी ने दूसरी पार्टी को छोड़ दिया हो, एक पार्टी ने दूसरी पार्टी को छोड़ दिया हो या अलग रहना शुरू कर दिया हो, ठीक, और ये जो अलग रहना शुरू किया या छोड़ा, ये बिना किसी सफिशिएंट रीज़न के हो। दूसरा, तीसरा, कोर्ट में एप्लीकेशन मूव की हो डिसीज पार्टी ने। चौथा, कोर्ट सेटिस्फाइड हो, जो वो एप्लीकेशन मूव की गई है और उसमें जो ग्राउंड दिए हैं कोर्ट उन पर सेटिस्फाइड हो, और फिर कोर्ट क्या करेगा, ऑर्डर पास आउट कर देगा कि भाई आपने जो इस पार्टी को छोड़ा है आप इसके साथ आकर रहना शुरू कर दीजिए। ठीक है, ये था बेसिक। अब हम देखते हैं कुछ रेलिवेंट केस लॉज। फॉर एन एग्जांपल, इस सेक्शन की एप्लीकेबिलिटी के लिए सबसे मेन और इंटरेस्टिंग पॉइंट क्या है, सफिशिएंट रीज़न। अगर सफिशिएंट रीज़न से आप अलग रह रहे हैं तो फिर वो वैलिड है, अगर बिना किसी सफिशिएंट रीज़न के अलग रह रहे हैं तो फिर आप इस सेक्शन का एग्जिस्टेंस में लाकर यूज़ कर सकते हैं। फॉर एन एग्जांपल, एक मैं केस लॉ बता रहा हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट केस लॉ है। प्री में आपको एन नंबर ऑफ टाइम पूछा गया है, मेंस में भी यहाँ से जब आती है प्रॉब्लम तो जब तक आप उस केस को नहीं डालेंगे सेक्शन कंप्लीट नहीं माना जाता आंसर। तो केस नोट कीजिएगा, स्वराज गर्ग वर्सेज KM गर्ग AIR 1978 दिल्ली का केस है। स्वराज गर्ग वर्सेज KM गर्ग AIR 1978 दिल्ली। अब इस केस में हुआ क्या था, हस्बैंड और वाइफ दोनों जॉब में थे, हस्बैंड दिल्ली था, वाइफ करती थी बॉम्बे में जॉब, वाइफ हायर पोस्ट पे थी, जो हस्बैंड था वो थोड़ी लोअर पोस्ट पे था। हस्बैंड ने कई बार वाइफ को बोला तुम मेरे साथ आकर दिल्ली रहना शुरू करो, मेरे साथ आकर दिल्ली रहना शुरू करो, लेकिन वाइफ ने हर बार मना कर दिया, नहीं भाई मैं जॉब में हूँ, मेरा जॉब करने का मन है, मैं अलग आके नहीं रह सकती, एक काम करो आप ही मेरे साथ आके रहने लग जाओ। वाइफ ने कहा तुम ही मेरे साथ आके रहने लग जाओ। हस्बैंड ने इस पर नाराज होकर कोर्ट में एप्लीकेशन मूव कर दी, कंजुगल रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट, कि देखो जी मेरी पत्नी है, मैं इसे बुलाता हूँ, मेरे साथ नहीं रहती, अलग रहती और बिना किसी रीज़न के। अब जब हस्बैंड ने कोर्ट में एप्लीकेशन मूव की तो कोर्ट ने कहा नहीं, ये आप सफिशिएंट ग्राउंड नहीं है। क्यों? क्योंकि आर्टिकल 21 को आप नहीं बोल सकते। आर्टिकल 21 में लिखा है कि हर किसी को अपना जॉब करने का राइट है, लिवलीहुड का हर किसी को राइट है, इंडिपेंडेंट लिविंग का राइट है। तो अगर आपकी पत्नी आप जॉब कर रही है ना, और वो आपसे अलग रह रही है, तो भाई ये सफिशिएंट रीज़न है, वो अपनी मर्जी से बिना किसी रीज़न के अलग नहीं रह रही, वो जॉब कर रही है इस वजह से अलग रह रही है। ठीक है, तो आप इसमें रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट का जो सेक्शन 9 है एप्लीकेबल नहीं कर सकते। तो याद रखिएगा, स्वराज गर्ग वर्सेस के अंदर लैंडमार्क केस है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये तो हुआ इस सेक्शन का बेसिक। अब यहाँ से एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, वेदर सेक्शन 9 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट इज कॉन्ट्राडिक्ट विद आर्टिकल 21 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। क्या जो सेक्शन 9 है या आर्टिकल 21 जो है आपका, क्या उसके अगेंस्ट में है, उसका वायोलेशन करता है? तो सबसे पहले जो एक क्वेश्चन रेज हुआ, ये आपके मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है, देखिएगा। सबसे पहले जो क्वेश्चन रेज हुआ था फ्रॉम द वेरी फर्स्ट टाइम, केस नोट कर लीजिए, टी सरिता वेंकटा सुबैया AIR 1983 AP।
केस है। इस केस में क्या होता है, इसमें यही क्वेश्चन रेज हुआ, तो भी जो आपका सेक्शन 9 है क्या ये आपका आर्टिकल 21 का वायलेशन करता है? तो कोर्ट ने कहा, तो इसमें जो हाई कोर्ट था आपका मद्रास का जो हाई कोर्ट था उसने कहा जी हाँ सेक्शन 9 आर्टिकल 21 का ये क्या करता है, कंट्राडिक्शन करता है। क्यों? क्योंकि अब अगर हस्बैंड और वाइफ की आपस में नहीं बन रही है ना, वाइफ अलग रह रही है, हस्बैंड फिर भी कॉन्जुगल राइट यूज़ करके उसे अपने साथ रहने के लिए बाउंड कर लेता है, तो ये तो जो हमारा पर्सनल लिबर्टी का राइट है ना, जो आर्टिकल 21 में बताया गया कि हर किसी को अपना लिव विद डिग्निटी का राइट है, ये तो उसे ख़त्म कर रहा है। क्यों ख़त्म कर रहा है? कि भाई वो अलग रह रही है और आप मारपिटाई की वजह से, और सेक्शन 9 कंज्यूमर राइट उसे बाउंड कर रहा है, नहीं तो अपने हस्बैंड के साथ आके रहो। तो कोर्ट ने कहा जो सेक्शन 9 है, मद्रास हाई कोर्ट ने कहा सेक्शन जो 9 है ये एक जंगलीपन से भरा हुआ सेक्शन है ना, और ये क्रुएलिटी से भरपूर है, इसमें क्रुएलिटी भरी पड़ी है, बर्बरता इसमें भरी पड़ी है, ये सेक्शन हमें 21 आर्टिकल राइट दे रहा उसके अगेंस्ट और अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। चलिए मद्रास हाई कोर्ट ने तो ये कह दिया। लेकिन एक ही साल बाद एक और लैंडमार्क केस आया, सरोज रानी वर्सेस सुदर्शन कुमार, AR 1984 सुप्रीम कोर्ट। इसमें कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने हमारी बहुत क्लियरली बोल दिया सेक्शन 9, सेक्शन जो 9 है आर्टिकल 21 के वॉयलेशन में नहीं है, बल्कि जो आर्टिकल 21 का जो हमारा पिलर राइट है लिव विद डिग्निटी, उसको फुलफिलमेंट करने के लिए ये सिर्फ हेल्प करता है, एक मोड है उस जो हमारा लिव विद डिग्निटी का राइट है उसे फुलफिल करने का। अभी ये कैसे है, क्योंकि जैसे ही हस्बैंड और वाइफ की शादी होती है तो हस्बैंड और वाइफ का एक साथ रहना डिग्निटी फुल लाइफ जीने के लिए, क्योंकि देखिए जब तक हस्बैंड और वाइफ शादी के बाद साथ ना रहे तब तक वो डिग्निटी लाइफ नहीं हो सकती, लेकिन कुछ एक्सेप्शन हो सकते हैं, लेकिन जनरली आप देखें तो जब तक हस्बैंड और वाइफ शादी के बाद साथ ना रहें तब तक वो डिग्निटी फुल लाइफ नहीं होती। ठीक है, तो गाइज ये था हमारा ओवरव्यू सेक्शन 9 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट, रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट। आई होप आपको समझ में आया होगा, फिर भी आपको लगता है कुछ एड ऑन किया जाना चाहिए, कुछ भी कंफ्यूजन हो आप क्लैरिफिकेशन चाहिए, आप कनेक्ट हो सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। तो गाइज बने रहिएगा, ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो विद मेंस क्वेश्चन आंसर फॉर्म लेकर के आते रहेंगे, बने रहिएगा। अब सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल को। थैंक यू गाइज।